कैसे हैं भाई? होगा आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस, सुबह सुबह नहीं टाइम मिला, पर जैसे ही मैंने मतलब कि उठे तो उठते ही शावर वगैरह लिया और हम लोग फटाफट बिना ब्रेकफास्ट किए, बस हल्की सी मैंने चाय पी थी। सिस्टर भी गई, सीमा भी गई, राधिका वहीं पर ही है, वो भी तैयार होगी और सीमा भी अपने घर तैयार होगी, तो मैं यहाँ पर आ गई। यशिका मेड पावर, आपको पता ही है हम यहीं से तैयार होते हैं। तो इस बार गोलू भी और पायल भी और स्नेहा भी, वो भी थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं और जीना जब तक रेडी होते हैं तो मिलते हैं आपको, बीच बीच में आपको गाइस दिखाते रहेंगे। बस मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ गाइस, तो टाइम से आ गए थे, टाइम से तैयार हो गए हम। पायल गोलू भी आ गए हैं, चीकू भी आया है, तो सब तैयार हो गए हैं। और चीना बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लुक बस लिपस्टिक रह गई है लास्ट, तो ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। कहती हाँ ज्वेलरी, मैं आपको बता देती हूँ, जो चीना की ज्वेलरी है, मम्मी की ज्वेलरी है, हमारी ज्वेलरी है वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता से हमने ज्वेलरी ली है, और उनकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी होती है। हमारा हर एक इवेंट में ना वेलवेट बाय वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता की ज्वेलरी लेती है और बहुत सुंदर लग रही है। टीका भी है ना इसका? ये टीका नहीं लगा रही, कह रही मैं टीका नहीं लगाना, वो शादी पे कहती लगाऊंगी, अभी नहीं। शादी पे तो उसको वो लगाऊंगी मैं, पायल ने लगाया था, माथा पट्टी। माथा पट्टी कितनी सुंदर लग रही थी पायल उस टाइम वो ड्रेस में, और माथा पट्टी अच्छी लगती है। पायल मम्मी कह रही थी शादी में बहुत सुंदर लगी। हाँ बड़ी अच्छी लगी थी इसकी शादी, प्यार भी उसने बहुत सुंदर। हाँ ये तो है। बस मैं पहले घर जा रही हूँ, और चीना और निखिल दोनों सारे वहीं पर जाएंगे बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि इनकी शूट होना है। तो निखिल लेने के लिए, अब आपको गाइस दिखाई देते हैं निखिल का चेहरा, निखिल लेने के लिए आ गया है। तो ऊपर की जो ड्रेस है वो कहते मैंने गाड़ी में रख दी है, वहाँ जाके करूँगा। तो अभी ये सिलवाए हैं, सारे गोल्डन एज के कपड़े सिले हैं, बहुत सुंदर। तो अब ये दोनों जा रहे हैं बच्चे, और मैं कैब करके मैं घर चली जाऊँगी। मैं कन्नू और ये और मैं, हम इकट्ठे पहुँचेंगे। 5:30 बज चुके हैं, 7 बजे का टाइम है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। घर आ गई हूँ, चीना तो चली गई थी निखिल के साथ क्योंकि फोटो शूट था, वो चली गई है। मैं घर आ गई हूँ, तो मेरे साथ ये जा रहे हैं, मैं और कन्नू जा रहा है। तो देखते हैं घर में कोई और होगा तो साथ चले जाएंगे, दो की जगह है, देखते हैं कौन चलता है। और लड़के वाले निकल गए, हम हमेशा की तरह लेट ही निकलेंगे। ये जा रहे हैं, ये किसी को दिखा दे है? ये जा रहे हैं, हाँ हाँ ये भी जा रहे। मैंने बोला क्या? नहीं यही बोला है, यही बोला है कि ये भी जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और कन्नू गाड़ी चला रहा है। गाइस इन्होंने भी नया कोट पैंट सिलवाया, सबने ही बच्चों ने कपड़े नए कोट पैंट सिलाया। अब जैसे आप एक एक करके आपको वीडियो आती जाएगी तो आप देख लेना, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी। कोई बात नहीं, बैठ दिया बस, अभी आ गए ना तो बोल दिया हमने सासू जी को, चीना की सासू जी को, चीना की। कुशाल जी पूजा का सामान दीजिए, सही समय पर पूजा। कन्नू सामान दे दे बेटा, आ गया। नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया। तो गाइस सारा ये गिफ्ट का सामान रखा हुआ है भैया, जो भी चीजें। इधर से हमारे भाई निखिल जी की तरफ से भी, वर पक्ष वाले वास्तव में बहुत सुशील, बड़े संस्कारी बालक हैं, और हमारी बहन ललिता की तो बात ही अलग है, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर आ जाएंगी ललित जी के साथ। ललित जी, तरुण जी, ललिता के साथ कौन होंगे? ललिता के साथ तरुण है जी। क्या बात है, नहीं अनु उसी आगे आ जाओ, पीछे तुम्हारा ही तो नंबर है, बात है। अब आप पीछे पहले खा ले, खा ले गोलू पायल का, पहले खा ले। बोलो गणपति देव भगवान की जय। डॉली आज बाबू, वास्तव में आज जो हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसको संस्कृत भाषा में वरदान देते हैं, तो वायदा हो जाएगा। तो कोई भी धार्मिक कार्य हमारे हिंदू धर्म में होता है, सबसे पहले हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं। बहुत सारे हमारे
शास्त्रों में दैनिक शक्तियों की। पिता को संतुष्ट किया अपने कर्मों से, व्यवहार से, उसको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए गणेश जी महाराज की आराधना करते हैं, ये हमें हमेशा याद तो गाइस ये सगन की रस्में हो रही हैं शुरू, और ये बैठे हैं लड़का, ये कन्नू पीछे, मैं पीछे की साइड बैठी, तो हम बैठे यहाँ पर पीछे की साइड, तो नहीं पता चल रहा, तो बाकी थी अभी आपको दिखाते हैं लड़के की भी फोटो। दीदी दीदी का फोन पकड़ा है मैंने, गाइस ये रे जी जी, और बताओ हैं चाची जी, मासी जी, बताओ हैं रस्में चल रही है सगाई की। थोड़ा सा आगे हो जाओ भैया, देखिए एक बार यहाँ पे फोटो करा पहले सामान रखो, ऐसा ना ये है गणेश जी को यहाँ ऐसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ा, और उधर श्री वक्र कुंड महाकाय सूर्य कोटि सम, ये संभालना आपका काम है। देखो आज की झोली में गणेश जी स्वयं आगे आते हैं, देखो कितने मतलब हमारे बहन अर्चना ने तपस्या कर ली थी ऐसा बेटा जन्म है, तो स्वयं गणेश जी आगे शायद किसी को सभी जी को मिल गया। गणपति के दिन चल रहे हैं ना, देव गणपति खुद बताए ये सब करो, बाकी नीचे वाला सामान सब ये साफ देना, का साफ देना जो वेटिंग लिस्ट है उसको खिला, थोड़ी हल्की सी और याद लो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्तव्य मंगल परिवार से मंगल है ये तो हरि, दोनों परिवारों को नाचो बस पूरा गेम जस्ट अभी का दिन सब नाचो देखो एक दूसरे को, देन लाफ्टर सब एक दूसरे को, देन लाफ्टर पापा बाय हमारे पास वो है और जिनका जो हमको लाल यानी कि लड़के के जीजा जी है और ये दीदी है, शगुन
दमाजी का हो गया हमारे साइड के दमाजी का जगह होगा तो आगे जिनके पास बहुत बहुत बधाई है दमाजी भी नाम हो तो दोबारा आप ही नाम हो तो आप भी नाम हो तो आप भी नाम हो तो आप भी नाम हो तो छोटे लड़के हैं ये भाई हमारे जहाँ जा रहे हैं कल जिम में तो ये भाई की जिम है अच्छा ओपनिंग है ना कल ओपनिंग वैसे मिलने अच्छा वैसे तो ये हमारे सारे भाई की छोटा बहुत जमाई है वो शायद में बने अच्छा उनकी बेटी भी दमाद है जैसे हमारे हमारे मम्मी जी हैं पापा हैं छोटी का इनकी बेटी है बहुत मुश्किलों से मैंने हड़पा के भाई चलवाओ मेरी शादी बहुत कलेश की उन्होंने फिर बाद में मान मुझे पता होता मैंने अभी 140 चेयरें बनवाई है 28 नंबर की 24 तक की आती है ना 28 इंच मैंने किसी को गिफ्ट कर दी मेरी बेटी को भी तो उसकी सगड़ उसको पहना लिया की हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सारे चीना की जो धड़कन है वो हो चुकी है बहुत फास्ट डर लग रहा है उसे तो हम सब उसको समझा रहे हैं कह रही मम्मी मेरी धड़कन चेक करो और सुंदर लग रही मेरी बहन बहुत ज्यादा भगवान करे इसको किसी की नजर न लगे तो भाई सारे रेडी चीना की एंट्री के लिए अगर मैं इधर आता हूँ
ये काट ले केक ठंडा ठंडा के, मैं तो जाएगा बोलूँ जल्दी कर दे, मैं लड़की को दे रही हूँ, लड़की को दे रही हूँ। तो अभी जो बैंकेट बना है ये अभी 17 तारीख को बना था, इसकी ओपनिंग हुई है, यानी कि चीना की एंगेजमेंट 15 की है। तो आप ये सोच सकते हो कि अभी महीना भी नहीं हुआ, इतना कि अभी महीना भी नहीं हुआ, इतना खूबसूरत है गाइस, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर जो चीना की और निखिल की एंगेजमेंट हुई थी, रिंग सेरेमनी हुई थी, ये देखो उनका फोटो सेशन चल रहा है, बहुत बड़ा है। कितनी गैदरिंग हो सकती है यहाँ पर? अच्छा 250 to 500 तक हो सकती है, बहुत अच्छा है। तो बस कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसकी। चीना कैसा लगा तुझे यहाँ का बैंक्वेट हॉल है? चीना ओ सॉरी मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, सर्विस भी मुझे बहुत पसंद आई। हाँ अभी भी हमने डिनर किया तो एकदम सारे की बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे पर्सनली, और जो भी यहाँ आएगा सबको खुश होके जाएगा। हाँ यहाँ पे जो और हर खाने में एक अलग ही खुशबू है, खाना बढ़िया खाना,
हाँ आपने कहा था कि बिना खाने के कभी भी टेस्ट, हमने कहा नहीं हमें खाना बड़ा अच्छा मिला। बैंक्वेट की रीढ़ होते, बैकबोन है खाना, टेस्ट होता है खाना, अच्छा स्वाद नहीं होता। अरे इसमें बैक में दीदी इन्होंने जो डेकोरेशन को, हाँ ये देखो बहुत मुझे बहुत बैक में देखो, ये देखो सारी देखो बहुत ही पूरी है सारा देखो, इन्होंने पूरा टेबल पे, हाँ पूरे टेबल पे, हर टेबल पे देखो, हाँ फ्लावर्स थे हर टेबल पे, हर टेबल पे, और कितने टेबल है सबके सब है। तो गोलू पायल अरमान वो तो आए थे, खुशी हो गए, वो भी इनको इतना अच्छा बोल के गए हैं कि आपका बहुत अच्छा लगा। तो गाइस सच्ची कह रही हूँ कि बहुत अच्छा बैंकेट हॉल है, अगर आपको कोई फंक्शन करना हो, बर्थडे पार्टी, शादी, सगन, कुछ भी करना हो तो आप इनका, मैं इनके जो बैंकेट हॉल है उसको टैग करूँगी नीचे, तो आप जरूर कोई भी फंक्शन हो एक बार मेरे कहने पर जरूर करना। सबसे बड़ी बात है फंक्शन तो करेंगे और मतलब स्पेस है, इतना स्पेस है कि आप कहीं भी अड़जा सो सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो। और ये तो यार ये मनी डिसीजन किसे करी से मिल रही है, ये बता किससे कह रहे हो, मैं तो याद कर किससे शक्ल में, क्राउड प्लेस में कौन था, अच्छा अच्छा विभा, विभा विभा ये सेम शक्ल विभा के सीन है। हां मेरे वहां ना ऑफिस जाते थे ना, वहां पर एक फ्रेंड थी मेरी विभा, सेम शक्ल विभा की। चलो गाइस अब बस अब चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना खा के उसके बाद निकलेंगे क्योंकि सारा प्रोग्राम हो चुका है। तो लड़के वालों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोग खाना खा लो, बस खाना भी लग चुका है गाइस, सारे खा के जा चुके हैं, हिमा, कंचन, सोनिया, डॉली, निक्की सब जा चुके हैं क्योंकि बच्चों ने शायद सुबह कल स्कूल भी जाना है, क्या है क्या नहीं, तो खाना टेबल पर लग चुका है गाइस। तो ये देखो ये सब के सब खाना लग चुका है, तो गाइस आप भी हमारे सब खा लीजिए, बिल्कुल वैसे खाने का दिल नहीं है, आपको पता जो लड़की का प्रोग्राम होता है तो सारे यही कह रहे हैं कि आज आप एक माँ जैसा लग रहा है कि इतनी चिंता है, बाकी चिंता वाली बात थी अच्छे से निबड़ गया। बस मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी को यही कहती हूँ, ये गुरु जी आपने मेरे को पार लगाया, क्योंकि एक प्रोग्राम लड़की का करना, हर कोई इंसान पैसा लगाता है, पैसा लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, मगर प्रोग्राम कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, मगर शुक्र है कि प्रोग्राम सारा सही नहीं पड़ गया है ना, चिंता लगी रहती है ना कुड़ी दी, करना तो होता ही है, गुरु जी सब अच्छा कर देने। तो थोड़े दिन बाद मैं थोड़ा बुलावांगी, शुक्राना करांगी गुरु जी का कि उन्होंने चीना का अच्छा कर दिया है, मैं अपनी बहनों को बुलाऊंगी, अपनी दीरानियों को बुलावांगी, तो बह के घंटा का सत्संग करांगी, ठीक है, देखते हैं अगले संडे जी में करते हैं, देखते बुलानी है, हाँ शुक्राना अदा करांगी कि गुरु जी बस सब कुछ अच्छा कृपा, अच्छा भी अगर अपनी भी कृपा आगे बनाए रखना, हाँ। बस 3:15 बज गए हैं गाइस, यहाँ से निकलते निकलते तो देख लो अभी सारे के सारे यही खड़े, रात हो गई है, तो बस अभी खाना खा के आराम से यही निकले हैं, तो बस अब चलते हैं घर, तो इसके पापा ही बैठे हैं, कन्नू गाड़ी चला रहा है, तो चलो बाय बाय, बस हम लड़के वालों को बोल रहे हैं बाय बाय, जा रहे हैं हम, और वो भी बोल रहे हैं कि चलो बाय बाय, तो बस हम जाते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको।